अब अपन देखेंगे वर्टेब्रा कॉलम, क्या वर्टेब्रा कॉलम मतलब वर्टेब्रा में टोटल कितनी बोन है, ठीक। तो अगर अपन बात करें बच्चों में एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय बच्चों में जो वर्टेब्रा होती है वो कितनी होती है, 33 होती है, कितनी 33 वर्टेब्रा होती है। वो 33 वर्टेब्रा कौन कौन से है, जिसमें से सर्वाइकल की अपने को कितनी मिलेगी, सर्वाइकल की वर्टेब्रा 7, सर्वाइकल की 7, थोरेसिक की कितनी 12, लंबर की कितनी 5, सैक्रम की 5। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, बच्चे की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ बर्थ के समय अपने को 33 करनी है। और कॉकिक्स कितनी होती है, 4, ठीक। तो अगर अपन इसको काउंट करने जाएंगे तो अपने को कितनी बोन मिलेगी, 33। सर्वाइकल, अगर अपन सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल की C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये अपने को कहाँ मिल रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक। जिसमें से C1 और C2 का नाम है, C1 और C2 का नाम है, क्या क्या नाम है, एक का नाम है एटलस और एक का नाम है एक्सिस, एक का नाम है एटलस और एक का नाम है एटलस और एक का नाम है एक्सिस। अगर तुम देखो जो एटलस है, एटलस अगर देखना देखें अगर अपन, तो एटलस जो अपना ग्लोब होता है, ग्लोब लो तो ग्लोब एक गोल स्ट्रक्चर है, जैसा ना जैसा जैसा अपना स्कल, तो ये हो गया अपना स्कल जिसको इसमें बोला ग्लोब, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एटलस, ठीक। और एक्सिस उसके नीचे पड़ी हुई है, तो C1 और C2 जो कि मूवमेंट करती हैं और स्कल को मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे अपना जो बेस हो गया, ठीक, और जिसपे अपना वो ग्लोब रखा हुआ होता है, ठीक। तो कुछ वैसा अपन उससे समझ सकते हैं एटलस और एक्सिस को। देन C4, C5, C6, C7 ये अपने को कहां की मिल रही है, सर्वाइकल की, ठीक। हर एक वर्टिब्रा के बीच में आपको कार्टिलेज देखने मिलेगा, ठीक है। देन अगर अपन बात करें थोरेसिक की, तो थोरेसिक की कितनी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपको टोटल कितनी मिलेंगी, 12 मिलेंगी। लंबर की कितनी 5, लंबर की कितनी 5, ठीक है, L1, L2, L3, L4, L5। और वहीं अगर अपन बात करें किसकी, सैक्रम की, तो सैक्रम की कितनी 5, 1, 2, 3, 4, 5, S1, S2, S3, S4 और S5। और एक बच रही है कौन सी, कॉकिक्स, कौन सी कॉकिक्स, और कॉकिक्स को देखें तो वो कितनी 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये किस पे भाई आ रही है, अपन टोटल 33 किस पे प्रेजेंट है, बच्चों पे, बर्थ के समय में बच्चों पे कितनी होती है, 33 होती है। देन बर्थ के बाद, क्या बर्थ के बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो अपनी सैक्रम है, कौन सी सैक्रम और कॉकिक्स, ये हो जाती हैं क्या फ्यूज, मतलब ये आपस में जुड़ जाती हैं। जब ये जुड़ गई तो अब कितनी हो गई, 1, अभी थी कितनी 5, अब कितनी हो गई जब जुड़ गई तो 1। वहीं अगर कॉकिक्स की बात करें तो 4 है और ये 4 जुड़ गई तो हो कितनी गई, अब 1। तो वहीं अगर अपन देखें, अपन अब अगर अपन ये किस पे देखें, एडल्ट पे, तो सर्वाइकल की 7, थोरेसिक की 12, लंबर की 5, सैक्रम की 1, क्योंकि फ्यूज हो गई ना, सैक्रम अब फ्यूज हो गई बन गई कितनी 1, कॉकिक्स फ्यूज हो गई 4 थी, फ्यूज हो गई बन गई 1, तो 1 और 1 टोटल काउंट करो, 12, 7, 19, 5, 24, 25 और 26, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितनी हो गई, 26, जो एक एडल्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अपन बात करेंगे किसकी, थोरेक्स की, तो सर्वाइकल में कितनी 7, थोरेसिक में कितनी 12, लंबर में कितनी 5, सैक्रम में कितनी 1 और कॉकिक्स में कितनी 1, ये किसमें है एडल्ट में और ये किसमें है एक चाइल्ड में, ठीक है। चलो अब अपन को देखना है किसकी, थोरेक्स की, कहां की, थोरेक्स की, ठीक। थोरेक्स, ठीक। अब तो थोरेक्स की अगर अपन बात करें तो थोरेक्स में अपने को कितनी हड्डियां मिली टोटल, थोरेक्स को भी इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, कौन कौन सी, एक
स्टर्नम और दूसरी रिब्स, ठीक, एक स्टर्नम और एक रिब्स, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो यहां पे स्टर्नम अपने को कितनी मिल रही, एक, कितनी स्टर्नम मिल रही, एक, और रिब्स कितनी मिल रही है, एक साइड 12 और एक साइड 12, टोटल 12 दुनी 24, मतलब 24, तो टोटल थोरेक्स में कितनी बोन, 25, कितनी 25, 24 1 25, ठीक है। अब अगर इसके फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें, किसकी बनता कैसे है, तो ये हो गया क्या मान लो अपना स्टर्नम, ये क्या हो गया स्टर्नम, स्टर्नम को अगर तुम देखोगे तो स्टर्नम के भी तीन पार्ट होते हैं, एक क्या हो गया ये मेनुब्रियम, ये किसका पार्ट हो गया मेनुब्रियम, दूसरा बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये क्या हो गया बॉडी ऑफ स्टर्नम, और तीसरा क्या हो गया ज़िफाइड प्रोसेस, ये क्या हो गई ज़िफाइड प्रोसेस। तो ये किसका स्ट्रक्चर है स्टर्नम का, जो कि अपने पास एक है, लेकिन ये इसके तीन पार्ट है मेनुब्रियम बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड ज़िफाइड प्रोसेस। वहीं अगर अपन रिब्स की बात करें, किसकी रिब्स की बात करें, तो अपने को रिब्स में क्या, रिब्स में तीन तरह की चीजें मिलेंगी, कितनी तीन, कौन कौन सी, पहली टू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक। जिसमें से ट्रू रिब्स कौन कौन सी, अपन ट्रू रिब्स किसको बोलेंगे, ट्रू रिब्स अपन उनको बोलेंगे, ट्रू रिब्स अपन उसको उनको बोलेंगे जो ये डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं, वर्टेब्रा से निकलती है रिब्स और आकर अटैच होती है किससे, अपने किससे, अपने स्टर्नम से, किसकी मदद से, कार्टिलेज की मदद से, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो ट्रू रिब्स की अगर अपन बात करें, जिसमें से ट्रू रिब्स की संख्या कितनी है 7, यहां पे अपन देखें ट्रू रिब्स कितनी 7, फॉल्स रिब्स कितनी 3 और फ्लोटिंग रिब्स कितनी 2, ठीक है। तो देखें अगर अपन ये 2 3 4 5 6 7 कितनी हो गई, 7 हो गई, 7 रिब्स हो गई, ठीक, कार्टिलेज, ये क्या है कार्टिलेज। तो देखो ये कार्टिलेज किससे जुड़ रहा है, स्टर्नम से, ठीक। ये क्या हो गया अपनी 7, कौन सी ट्रू रिब्स, कौन सी रिब्स, ट्रू रिब्स 1, अगर अपन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, 7 ट्रू रिब्स है, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, फॉल्स रिब की, फॉल्स रिब्स कैसे अटैच तो है, जुड़ी तो है पर डायरेक्ट नहीं जुड़ी है स्टर्नम से, ये कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई है, ये हो गई अपनी 8, ये 9 और ये 10 हो गई। अब देखो ये था कार्टिलेज, अब अगर देखो तो ये 8 नंबर की किससे जुड़ी हुई है, 7 से, किससे जुड़ी हुई है 7 से, 8 9 और 10, ठीक है। तो 8 नंबर वाली किससे जुड़ी हुई है 7 से, 9 नंबर वाली किससे जुड़ी हुई है कार्टिलेज की मदद से, बताओ 8 से, और 10 नंबर वाली किससे जुड़ी हुई है 9 से, है ना। तो ये क्या डायरेक्ट जुड़ी है स्टर्नम से, नहीं, ये इनकी मदद से तो जुड़ी हुई है, जिसको अपन बोल रहे हैं कार्टिलेज की मदद से जुड़ी हुई है, एक के बाद एक 10 वाली, 9 से, 9 वाली 8 से, और 8 वाली 7 से, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं क्या फॉल्स रिब्स। देन आती है कौन सी, 2 फ्लोटिंग, 1 और 2, ठीक। तो देख सकते हैं अपन एक साइड की कौन सी, अपनी अपने को क्या मिल गई, एक साइड की थोरेसिक कैविटी, ठीक, ये होगी 11 और 12, जो कि क्या है फ्लोटिंग है, तो ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, इसमें 1 से लेकर 7 तक की कौन सी रिप्स हो गई अपनी, ट्रू रिप्स हो गई, 8 से 9 तक की कौन सी, 8 से 10 तक की कौन सी फॉल्स, और 10 से 12 कौन सी फ्लोटिंग, ठीक है, 11 से 12 कौन सी फ्लोटिंग। तो ये अपनी कौन सी रिप्स हो गई, ट्रू फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिप्स, ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी नहीं, ठीक, ठीक है। तो थोरेक्स में अपने को टोटल कितनी हड्डियां मिली, 25, जिसमें से 12 अपने को कहां मिल रही है रिब्स में, है ना,
12 इंटू कितना हो गया 24 और एक ये तो 24 प्लस 1 कितनी हो गई 25। अब अगर अपन टोटल काउंट करें, टोटल नंबर काउंट करें कि अपने को एक्सियल सिस्टम में किसमें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन सी मिली, तो सबसे पहले स्कल में कितनी मिली 29, हाँ वर्टिब्रा में कितनी मिली 26 और इसमें कितनी मिली थोरेक्स पे 25। तो अगर अपन इसको जोड़े तो कितना मिलेगा अपने को 9, जोड़ो 9 प्लस 6 कितना होगा 15 और 15 5 0 2 2 2 4 2 6 2 8 टोटल कितना 80, टोटल कितनी 80। तो अपने को जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी मिल रही है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन मिल रही है, मतलब जो अपने मिडिल लाइन में पड़ी हुई है उनकी संख्या कितनी है 80, कितनी है 80। अब अपने को देखना है बाकी बची हुई, बाकी बची हुई कितनी 126 जो कि कहां पड़ी हुई है अपने अपेंडिकुलर सिस्टम में। कोई कंफ्यूजन, क्योंकि अपने को टोटल नंबर कितने काउंट करने हैं 206।